पंचम साउथ एशियन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल उद्यापित कोलकाता नंदन प्रेक्षालय उद्यापित होती फिल्म फेस्टिवल आज तो उत्सव में सत्यजित राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट महानिर्देशक हिमांशु शेखर खटुआ मुख्य अतिथि भाव में जोगदे कहते परिवर्तित परिस्थिति में क्षुद्र चलचित्र तथा प्रामाणिक चलचित्र प्रति आकर्षण बढ़ुच्च जहां निर्माता और निर्देशकों मनोबल बढ़ावा क्षेत्र में सहायक हो भारतीय चलचित्र एक सुजोग श्रीजुक्त खटुआ यह उत्सव में 60 चलचित्र प्रदर्शित होता सत्यजित राय गोल्डन अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड ऋत्विक घटक गोल्डन अवार्ड मृणाल सेन गोल्डन अवार्ड आदि सम्मान श्रेष्ठ चलचित्र गुड़ी प्रदान कर जोटा कि ऑर्गेनाइज करते फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया एटा गोटे यंग फिल्म मेकर भल प्लाटफर्म कलिकतार सब बेले फिल्म भल फिल्म आदर रही भल फिल्म को प्रोत्साहन दिंती एवं फिल्म कल्चर ये बहुत भल मु भावी SRFTI सब क्षेत्र में इनिशिएटिव नब फिल्म फेस्टिवल ठू आरंभ करी फिल्म रो प्रमोशन रे धन्यवाद। तो ये फेस्टिवल 5 साल से चल रहा है, ये 5वां साल था। इस बार 60 फिल्म्स वर देयर इस फेस्टिवल में, 60 फिल्म थे, उसमें कंपटीशन में भी थे, कंपटीशन के बाहर भी थे। आज उसका अवार्ड सेरेमनी था तो सब लोग आए थे, जिन जिनको अवार्ड मिला है सब लोग आए थे। 9 अवार्ड दिया गया है। 5th साउथ एशियन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल just concluded a couple of minutes ago, and it's turning out to be a very boutique film festival where there is a very eclectic mix of films, both short films and documentary films from across the continent. Film Federation of Film Societies of India tar purbanchol theke eta songothito kora hoyeche अत्यंत भालो भालो छवि एसेछे। इसके पहले ये फिल्म कांस में सिलेक्ट हुई है, ओटावा कनाडा में हुई है, मेलबर्न में हुई है और आज इंडिया प्रीमियर यहाँ पे हुआ। एंड ये फिल्म को अभी गोल्डन अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट शॉर्ट फिल्म, सो बहुत खुशी है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी फर्स्ट पब्लिक स्क्रीनिंग इंडिया में जो है वो कोलकाता में हुई है, एंड I'm very happy and I feel honored that the jury found my film worthy to win 2 awards. Dutto award pe ebong South Asian 5th South Asian Film Festival e film select hoyeche ebong ekhane Kolkatar film Kolkatay prothom bar dekhano hoyeche, sheita niye ami bhishon excited.